अस्सलामुअलैकुम। बहुत प्यारे दोस्तों, नहायत काबिले कदर बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए और तबीयत के मामलात को समझने के लिए दूर दराज से तशरीफ लाए। मुझे एहसास है कि ये सर्दी का ज़माना है। वो दिन पहले यहाँ बहुत सर्दी थी और एक दिन के बाद यहाँ फिर सर्दी शुरू हो जाएगी। आपको अल्लाह ताला ने हीटिंग का इंतज़ाम करके पहले से रखा हुआ था ताकि आपको ज़्यादा सर्दी न लगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सब लोग जब मुसलमान हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक ईमान के दायरे में दाखिल हुए तो हमने एक अहद किया है। अहद किया, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, कोई मालिक को खुद मुख्तार नहीं, कोई मददगार नहीं। या का नाबुद या का नस्ताईन, हम आपकी ही इबादत करेंगे, आपसे ही मदद चाहेंगे। इन्नल्लाह युर्ज़ुकु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, हम जिसको चाहें, जब चाहें, जिस तरह चाहें, बेहिसाब रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों को तौफीक अता की कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुना, सुन के अल्लाह ताला का इकरार किया और इस बात का ऐलान किया ला इलाहा। अब कोई माबूद नहीं, न कोई दरख्त है, न कोई बुत है, न कोई सितारे हैं, न चाँद है, न सूरज है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, बगैर शर्त के कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह। एक माबूद बरक है, उसने ही पैदा किया और उसने ही नौ इंसानी के लिए और तमाम मखलूकात के लिए रिस्क की फराहमी अदा फरमाई। 7 अरब के करीब आदमियों की तैनात है मर्दमशुमारी में, और ये जानवर और दरख्त और गाय और बैल, पता नहीं कितनी मखलूक है। अब बकरियों की तैनात अगर शुमार की जाए सारी दुनिया में तो हमारे पास फिगर नहीं होंगे, कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। इसी सूरत से हमारे खाने पीने का इंतज़ाम हर साल अब देख उसकी जमीन की ड्यूटी है, देखें तो सरसों के साथ इस पर हम हो रहा है। ऑक्सीजन है, हवा है, क्या कहते हैं, धूप है, तो ये नमी है, खुश्की है, ये सब कौन कर रहा है? वो सब अल्लाह कर रहा है। लेकिन अल्लाह को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह किसके लिए कर रहा है? वो हमारे लिए कर रहा है, अपने बंदों के लिए कर रहा है, अपने मखलूक के लिए कर रहा है। खाना पीना सोना दागना
रिस्क अता फरमाना, रिस्क पैदा करना, इसके लिए जमीन को हमवार करना, पानी के लिए बारिश बरसाना, दरिया बहा देना, हवाएं चलाना, ये आखिर कौन कर रहा है? कभी इस बात को सोचना तो चाहिए। वो कौन कादिर मुतलक हस्ती है जो न खाता है न पीता है न सुनता है न जागता है, सब जागा ही रहता है। वो एक है, वाहिद है, इतला है, उसकी कोई औलाद नहीं, वो उसकी कोई बीवी नहीं, वो किसी का शौहर नहीं, वो सोता भी नहीं है, मखलूक की खिदमत के लिए ऐसी कुर्सी में लाता खुद सुना तुम बुला रहे। अब तक हमारी दस्तगिरी कर रही है, हमें खिला रही है, हमें नींद दे रही है, राहत और आराम के बेशुमार मसाइल पैदा कर रही है, जबकि उसको किसी चीज की जरूरत है अल्लाह उसको। बात ये है कि जब सब कुछ अल्लाह कह रहा है, पैदाइश ये सब डॉक्टरी रिपोर्ट सही होती है, बच्चे अल्लाह उन्हें अल्लाह फरमाता है, इसको नहीं चाहता। इसी वजह से उम्र 12 साल की भी होती है, उम्र 20 साल की भी होती है, उम्र 100 साल की भी हो जाती है। आखिर ये सारी जिंदगी के अमाल और हरकत और मुआवसात कौन किस मेकेनिज्म पर चल रहे हैं? रोज चार्ज लगता है, रोज सोए निकलता है, एक जगह रोशनी होती है, एक जगह अंधेरा होता है, कहीं रात होती है तो दूसरी जगह दिन होता है। कि क्या इतना बड़ा जो सिस्टम है और निजाम है। अब हमारे यहाँ 10 मेहमान आ जाए घर में, देखिए कितनी जिम्मेदारी हो जाती है, ये पकाए वो पकाए, ये करे कहाँ उठाए कहाँ रखे कहाँ सुनाए। 15 की आबादी का तो कोई शुमार फिलहाल है ही नहीं, चूटियाँ देखी फिर वो शुमार हो सकती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में चूटियों अपने अपने घरों में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, उसने नहीं पता कि तुम यहाँ फिर रही हो, पैरों में रोंगी जाओगी। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चिमटी को उठाया, अपने हथेली पे रखा और पूछा, तुझे अपनी रिहाई का बहुत ख्याल है? तो कहा कि वही ख्याल है, मैं इसलिए है कि मैं उनकी निगरान हूँ, निगहबान हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर अगर सुलेमान रिवायत रही, फिर अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये बता कि सल्तनत तेरी बड़ी है ये मेरी बड़ी है, अब और से सुनिए चिमटी ने क्या कहा कि ये तो अल्लाह को पता है किसकी सल्तनत बड़ी है, लेकिन इस वक्त सुलेमान का हाथ मेरा तख्त शाही है। तो ये कौन सी अकल है? आप कहते हैं ना आदमी जो है वो अकल है, तो हैवान है, नाजुक है। क्या आपके यहाँ घर में जो गह बंदी हुई है बूढ़ी है, बहरी है, उसकी आंखें नहीं है, वो गर्मी सर्दी महसूस नहीं करती, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनकी हिफाजत नहीं करती, आप में वो एक गह में क्या फर्क है? जहां तक इबादत का ताल्लुक है, अल्लाह ने कहा हर शहर मेरी इबादत करती। तो कंदर बाबा ने मुझसे एक दिन फरमाया कि जितने भी क्या कहते हैं चौपाए, ये आधी रात से ज्यादा नहीं सोते, आधी रात के बाद उठ के ये मुराकबे में चले जाते और फजर तक ये मुराकबे में रहे। परिंदे
अपनी नींद पूरी करके वो इबादत में मशगूल हो जाते हैं, और सुबह को अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कौन नहीं जानता जब हम सुबह उठते हैं और चूड़ियों की चहकार सुनते हैं, चू 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 अल्लाह 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 करते हैं, हम सब पढ़े में सुन रहे थे। तो दो अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात इसलिए बनाई है के लोग मुझे पहचाने, अपने हकीकी बाप को, अपनी हकीकी माँ को, अपने हकीकी सरपरस्त अल्लाह को जाने कि मेरा खालिक कोई है जिसने मुझे पैदा किया, मेरा खालिक कोई है कि ये एक दिन के बच्चे को 100 साल का कर देता है, कोई है जो मुझे औलाद अदा फरमाता है, रिस्क अदा फरमाता है, जो लोगों को मुझे शाह मेरे बच्चों और प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सारी रौनक अल्लाह ने जो लगाई है पैदाइश की, इसमें एक ही मकसद है, मन अरफ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, इसलिए तुम्हें यहाँ पैदा किया गया है ताकि तुम अपने आप को पहचान। जिस रोज तुमने अपने आप को पहचान लिया तो मैं तुम्हारे सामने आया, मुझे आपने पहचान, तो सवाल ये हमने अपने आप को क्या पहचाना, ये भूख रखती है, नींद आती है, ये कुत्ते बिल्ली को नींद नहीं आती, वो सोचते नहीं बच्चे होते रिस्क दे डाला, किस है को रिस्क नहीं दे डाला, मच्छर को नहीं देगा, मक्खी को नहीं देगा, वायरस को नहीं देगा, किस चीज को रिस्क नहीं देगा, और जिस चीज को रिस्क नहीं मिलता उसका उपयोग खत्म हो जाता। तो भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ ये कह दूं कि हमारी पैदाइश का मंशा ये है कि अल्लाह ये चाहता है मेरे बंदे मेरी मखलूक मुझसे रब्ता करे, मुझे पहचाने। अब जिंदगी क्या चीज है, रूह है ना, रूह तो अल्लाह का हिस्सा है, मन भक्तों में रूह ही लोगों में रूह सारी है। तो अब रूह हमें पता ही नहीं होता, हम तो इसी जिसम को सब कुछ कसम कबर में चले जाते हैं, एक दो महीने के बाद कबर खोल के देखे वहाँ आपको कितना गोश मिलेगा, कितने खाने को पाए मिलेंगे, वहाँ आप होंगे ही नहीं मट्टी हो गए, मट्टी ये मट्टी का लिबास है जिसम के ऊपर, जिस तरह इस जिसम के ऊपर ये कपड़े का लिबास है, इसके अंदर से इसके कुर्ते के अंदर से ये निकल जाए तो इससे मौत बात, इसी तरह से आपके अंदर से रूह निकल जाए तो क्या उसकी हैसियत लिबास की नहीं हो जाती, आदमी मर गया अब उसका कुर्ता नहीं मारा तो उसकी जो है दूसरे क्या कहते हैं ख्वाहिशात है वो नहीं मरी क्या, पानी पीने के बगैर आदमी जिंदा नहीं रहता, एक मुर्दा आदमी के मुंह में मच्छर डाल दे मानी कि आपको यह खतरा अंदर भी जाएगा सब बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा ये जिस्म कुछ नहीं करता, जिस्म के अंदर अल्लाह का नूर है, अल्लाह नूर समावात वल-अर्ध, ज़मीन आसमान और ज़मीन आसमान की तमाम मखलूक अल्लाह का नूर है, और अल्लाह खुद क्या कहता है कि मैं भी नूर। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने तमाम मखलूकात को अपने नूर से पैदा किया, अल्लाह नूर सुनावा तो बोला। बच्चों प्यारे बहुत प्यारे बच्चों, आप दूर दराज से तशरीफ लाए इतनी सर्दी में, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इनायत है कि उन्होंने हमारे लिए मौसम का अनुवाद कर दिया। अब सिर्फ ये बात करनी है कि आपका खाना, आपका पीना अगर पैसे से है तो पैसा किसने बनाया? पैसे की कोई हकीकत है तो कान में सोना किसने बनाया? अगर सोने की कोई हकीकत है तो जमीन किसने बनाई? कहीं भी जाके आप रुकेंगे तो वो कुछ जात है और वही जात बनता है। अल्लाह फरमाते हैं, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि लोग मुझे अपनी मुंह मुझे पहचाने। मैंने मोहब्बत के साथ मखलूक को तख्लीक किया ताकि मुझे वो पहचाने और पहचानने से मुराद ये अल्लाह है। कोई बात नहीं, ये तो आप ये भी कह सकते हैं भाई बैतुल्ला शरीफ है जी, मक्का है, ये ठीक है, ये इस कहने में और मक्के में जाके अल्लाह के सामने सीधा ले धोने में फर्क नहीं है। धीरे धीरे का मतलब जी के आप सबको खुश रखे, दूर दराज से आप तशरीफ लाएं, आपको अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, मोहब्बत से, इश्क से तौफीक अता फरमाएं कि हम दुनिया में रहते हुए खाते हुए, पीते हुए, पहनते हुए, घर में रहते हुए इस बात को याद करें, ये सब कुछ जो दिया हुआ है वो अल्लाह ने दिया। अगर अल्लाह ने पैदा नहीं करना तो अगर झोपड़ी की क्या जरूरत थी भाई। इसके बाद मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके लिए आप दूर दराज से तशरीफ लाए, और बस यही दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह से आप दुआ करें आप सब मेरे लिए, मुझे भी ये दिन सिराते मुस्तकीम पर चलाए और हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए हिम्मत अदा। अल्लाह को पहचानना मुश्किल नहीं है, नहन वक्रम भी रहे मैं तो तुम्हारी रविदास से ज्यादा करीब हूँ, मुझे तुम पहचानते क्यों नहीं हो? हम सब लोग यहाँ इसीलिए जमा होते हैं कि मुर्शिद करीम मुकद्दर बाबा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने एक ड्यूटी लगाई है कि जहाँ तक तो आवाज़ पहुँच सके लोगों को बताओ, जहाँ से आते हो वो भी अल्लाह है, जहाँ रहते हो वो भी अल्लाह की जगह है, और जहाँ जाओगे मरने के बाद वो भी अल्लाह है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पहचानने का मरहला ये है कि यहाँ अल्लाह को पहचान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।